हम खड़े हैं। आपका नाम क्या है? महिपाल। महिपाल सिंह। और पिता का नाम महल सिंह। महल सिंह। गांव लुदास और जिला हिसार इनके गांव में खड़े हैं हम, और इनका खेत है। ये कौन सी वैरायटी लगी हुई है बीटी कॉटन की? ये 6580 है। 65 श्री राम का। श्री राम कंपनी का नाम है। हाँ जी, उसकी एक वैरायटी है 6580। 6588। हाँ, 6588। श्री राम बीटी कॉटन है। तो इसके हम पत्ते ले लेते हैं, पत्ते और टिंडे ले लेते हैं, और इसको हम फिर जैसे हमने आज डीसी को बोला कि हम 1 बजे, आज 1 बजने में 5 मिनट ही है, थोड़ा लेट हो जाएंगे जाने में, लेकिन इसको हम तोड़ते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर जाकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम ये बोलेंगे कि देखिए ये जहरीली, हम खा के दिखाते हैं, तो वो हमें रोकेंगे, वो एक सुसाइड मान के उसको रोकेंगे। पहले हमने उसको 24 आवर पहले बता दिया है, तो वो रोकेंगे। तो मुझे अगर वो रोकते हैं तो वो लाखों लोगों को, लाखों जानवरों को भी रोकना चाहिए उन्हें, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन साइनाइड है, जो सरकार की रिपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसको हम तोड़ते हैं, प्रयास करते हैं तोड़ने का। आप ये लीजिए, क्योंकि ये कच्ची है, ये मैं सारा तोड़ दूँ? हाँ, तोड़ दीजिए। इसके अंदर दो एक टिंडे भी हैं। हाँ, इसमें पूरा जहर होगा ना। इसमें डालिए आप, और डाल दीजिए थोड़े से, ताकि मतलब जिसमें बीमारी ना हो। हाँ, और स्प्रे तो 2 महीने पहले किया था आपने? स्प्रे का इसके अंदर कोई असर नहीं मिलेगा। हाँ, 2 महीने तो पहले किया था हम, 5 से 6 दिन के बाद भी असर खत्म हो जाता है स्प्रे का। अच्छा, इसको वैसे धो के खा लें कि कीड़े मकोड़े ना हो? बस है। हाँ, बस धोना इसलिए। हाँ, ताकि इस पे किसी दूसरे का मल मूत्र लग जाता है। हाँ, साफ सा दे दें आप, साफ सा दे दें। ये बिल्कुल अभी ताजा फूटा है। ठीक है जी, इसमें कोई भी वो बीमारी नहीं है, सिवाय अगर इसके अंदर हुई तो। ठीक है। इसके टिंडे देता हूँ आपको, क्या इतना सफिशिएंट रहेगा? हाँ ठीक है, ओके। अभी